तो मेरे पीछे का जो व्यू है ना भाई ब्यूटीफुल एकदम ऑसम हो रहा है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बदायूं वाले रूट पे, बस तो बहुत तगड़ा बांध है। वेलकम टू अनदर वीडियो। और अब हम लोग अतरौली से निकलने वाले हैं, सुबह के 6 बज रहे ज़्यादा ज़्यादा, और हमें दिनेश और राहुल छोड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं मेन हाईवे पे, तो इनका दिल से थैंक यू। और अब हम लोग निकलने वाले हैं यहाँ से बदायूं के लिए। बदायूं पहुँचते ही सबसे पहले रेस्ट लेंगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद देखते हैं, मिलते हैं आगे। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं नरोरा, और यहां पर जो बांध था यानी कि बना रखा जिससे वह बिजली उत्पादन होता है वो मेरे जस्ट पीछे, और ये यहां से स्टार्ट होती है। जैसे कि हम लोगों ने डे फर्स्ट में दिखाया था, मैंने वहां से आपको दिखाया था, तो आप मेरी उस वीडियो पर जाके चेकआउट कर सकते हो। देन अभी हम लोग नरोरा पहुँच गए और यहाँ का व्यू जो है वो दिखाता हूँ कैसा है। तो ये मेन हाईवे भी लगता है जो कि बदायूं जाएगा यहीं से, और हम लोग इस रूट से आ रहे हैं सीधा, और हमें आगे चल करके मुड़ जाना है यहाँ पे। तो हम लोग चलते हैं आगे क्योंकि टाइम धूप हो रही है। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं नरोरा खुर्जा वाले रूट पे, जो ये डिवाई में लगता है। आई थिंक मुझे इस रूट के बारे में थोड़ी कम नॉलेज है, मगर पीछे जो मेरे आप पावर प्लांट देख रहे हैं, ये जो हमारे वज़ीराबाद की तरह लगा हुआ है, इस पर बहुत तगड़ा बांध है और यहाँ का सबसे बड़ा बांध माना जाता है मेरे हिसाब से। और थोड़ी बहुत जितनी जानकारी थी मैंने बटोर के आपको बता दी। अगर आप इस रूट से निकलते हो तो ये वाला जो रूट दिख रहा है आपको, ये वाला, यहाँ से हमें शाहजहाँपुर, जलालाबाद, कानपुर, लखनऊ तक के रूट के लिए मिलता है। तो अभी हमें बदायूं की तरफ बढ़ना है, तो देन मिलते हैं क्योंकि अभी धूप होने वाली है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं बदायूं वाले रूट पर, और यहाँ से तैसमान रह गया है समथिंग 37 किलोमीटर। यहाँ से गिन्नौर की सीमा जो होती है वो समाप्त होती है, बैनर देख ही लिया होगा शायद, और बदायूं 72 किलोमीटर है यहाँ से अब करेक्टली, क्योंकि पीछे स्टॉप ही था, बैनर निकल के गया छोटा सा। और रूट एकदम ऑसम है, ऑसम क्योंकि बेहतरीन है, टिच रोड है एकदम। तो जैसे मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हो सोलो और कहीं पे आपको पानी ख़त्म हो जाता है, तो आप ऐसे किसी भी पेट्रोल पंप पे आके पानी अपनी बॉटल जो है फिल कर सकते हो। तो मैंने अपनी दोनों बॉटलें जो है वो फिल कर ली हैं बाल्टी पूरी तरीके से, और ठंडा ठंडा चिल चिल पानी है, यानी कि रास्ते तक नॉर्मल हो जाएगा एक बॉटल का, और एक बॉटल जो है वो मेरी वो कूल वाटर के लिए, यानी कि जो भी हम लोग रखेंगे ठंडा अगर हम, वो सेम ही रहता है उसमें। तो एक बॉटल मैंने इसीलिए रख रखी है क्योंकि अभी गर्मी हो रही है, तो कभी मन हुआ थोड़ा बहुत ठंडा पानी पीने का उसमें। तो आप पेट्रोल पंप से पानी वगैरह भर सकते हो, फ्री होता है, और फर्स्ट एड लेना चाहते हो तो वो भी फ्री होता है। आप विज़िट करो, रास्ते में कहीं हो और नहीं मिल पाती कोई चीज़, तो आप पेट्रोल पंप के नज़दीक पहुंच के आप वहां से ले सकते हो, जो कि यहां पर फ्री होती है। यहां से बदायूं रह गया है समथिंग 18 किलोमीटर, और अब हम लोग बदायूं में ही थोड़ा सा रेस्ट लेंगे कम से कम हाफ एन आवर का, क्योंकि धूप ज़्यादा हो रही है और चलाना ठीक नहीं है, इतने में अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मिलते हैं बदायूं में 18 किलोमीटर। तो यहाँ से अभी 50 किलोमीटर समथिंग और है हमारी जो डेस्टिनेशन है, और धूप एकदम अच्छी वाली हो रही है। अभी तक की जर्नी में मज़ा तो आ रहा है, पीछे जो लोग मिले मोटिवेट करते हैं कि भाई आपकी हिम्मत को मानना पड़ेगा, उनका अपने स्टाइल में और हमारा हमारे स्टाइल में, हमें पता हम कैसे चला रहे हैं। और जर्नी जो है उसमें तो मज़ा आ ही रहा है, जब भी तो निकला हूँ मज़ा तो आएगा ही आएगा। तो अब मैं एक ऐसी जगह आके फंस गया हूँ जो कि मुझे इस नदी को पार करना है, और भाई दिखाता हूँ किस वजह से। मैं वहाँ से आया हूँ यहाँ पर, और ये देखो इतना रेत है कि साइकिल चल भी नहीं पा रही है भाई, और मुझे इस पुल से उतरना है, और व्यू दिखाता हूँ अभी कितना बेहतरीन वाला है। अब मैं आके बीच में फंस गया हूँ, मतलब मुझे ये पुल क्रॉस करना है, और मैं दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। यहाँ पे इतना सारा रेत है ना, यहाँ पे बाइक देखो, बाइक भी नहीं चल पा रही, साइकिल तो खाक चलेगी, और मेरे वैसे भी इतने पतले टायर हैं पूरे रेत में दब जा रहे हैं यहाँ पर। अब ये आ गया फ्लाईओवर का, सॉरी। तो मेरे पीछे का जो व्यू है ना भाई ब्यूटीफुल एकदम ऑसम हो रहा है, और पीछे सनसेट हो रहा है, हेरा, और यहाँ का व्यू ऑसम है भाई।
तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।